इस मंच पर जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइफ। हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको जबरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। मैं जयेश खिलानी, आज का होस्ट, आप सभी का इस एसओएस के आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कृपया समय के पूर्व आ चुके हैं और जो अभी एडमिट हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है यहां पर। और आप आज का जो हमारा सेशन है, बहुत ही जबरदस्त सेशन है, जिनकी हम हर हफ्ते वेट करते हैं, राह देखते हैं कि कब हमारा गुरुवार आए, तब हमारा ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो। तो हमारे लेडीज ग्रुप के लिए, हमारी नारी शक्ति के लिए तो ये गुरुवार वरदान के रूप में है, क्योंकि गुरुवार को जो हमारे जो ट्रेनर आते हैं, हमारे जो जबरदस्त ट्रेनर हमारे बीच में आते हैं और हमारे एटॉमिक कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जो हमें डीपली नॉलेज देते हैं, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए सब लोग हम आतुर रहते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन ये रखना है हमें, अपने वीडियो को ऑफ रखना है अगर हम डिसिप्लिन में नहीं है। तो हमारे पास में नोट और पेन रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट के बारे में हमें, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में बताया जाता है, वो लिखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, हमारे साउंड को हमें म्यूट रखना है, ताकि डिसिप्लिन बनी रहे, सिस्टम की गरिमा को बनाए रखना है हमें। अच्छा, आज की खास बात है, इस सेशन के आखिरी पड़ाव तक बने रहिएगा। अगर आपको प्रोडक्ट का सीरियसली नॉलेज लेना है तो इस सेशन के आखिरी पड़ाव तक बने रहिएगा, तो ही आप पूरा नॉलेज ले पाओगे। अब हम समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे। उससे पहले मैं दो लाइनें बताना चाहूंगा। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। तो उठो और जोश और जुनून के साथ इस नई सुबह में शुरुआत करो। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स, एंड वेलकम हमारे ग्रेट प्रोडक्ट ट्रेनर हमारे बीच में आ चुके हैं, जिसका मैं आप सभी के सहयोग के साथ में वेलकम करता हूं इस मंच पे, कि आए मैम और हमारे आज के सेशन को आगे बढ़ाए और प्रोडक्ट की हमें डीपली नॉलेज। तो मिस नंदिनी कुमावत मैम, वेलकम टू मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट मॉर्निंग ऑल रेस्पेक्टेड लीडर्स, आप सभी का एसओएस के इस मंच पे मैं स्वागत करती हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस सेशन की स्टार्टिंग करती हूँ। ऑलरेडी ही मेरा नाम आप सभी लोगों को पता चल चुका है, माइसेल्फ नंदिनी कुमावत, और इस बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने कुछ टाइम पहले की है। टीम साइज बहुत जबरदस्त है और उसी बेस पे आप सभी लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। और आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को हम लोग अपनी कंपनी का माना जाता है, मम्मी प्रोडक्ट्स कंपनी का माना जाता है। और कुछ ही टाइम में आप सभी लोगों के बीच में मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और उस बेस में मैं आप सभी को क्लियर करूंगी कि अटोमी का जो प्रोडक्ट है वो कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है और किस तरीके से उसको तैयार किया गया है, कितना टाइम उसमें लगा है, क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है, क्या उसके खर्चा उसमें कितना हुआ है और क्या बेनिफिट हम लोगों को गेन करता है। तो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी का मम्मी प्रोडक्ट्स है हीमोहीम। हीमोहीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 300 से भी ज्यादा बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिबल है, इलाज उसका इजीली हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी ने इसका नाम हीमोहीम क्यों रखा, और हीमोहीम रखने का मेन रीजन क्या है, और ये
जो नाम है इतना अजीब सा, सभी लोगों को यहाँ पे जो लीडर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आज जो कंपनी ने हीमोहीम का यूज किया है और इस प्रोडक्ट को तैयार किया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज मैं आपको बहुत ही डीपली क्लियर करना करूंगी। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सभी लीडर से, यहाँ पे जितने भी लीडर्स प्रेजेंट हैं, वो सभी लीडर्स इसको शुरू से लेके एंडिंग तक सारी चीजें नोट करते जाए, क्योंकि नोट करने से ही आप सभी लोग इसकी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से ले पाएंगे और बार बार उसको रिवाइज कर पाएंगे, जिससे अपनी टीम तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से प्रोवाइड कर सके। हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट हीमोहीम के ऊपर। कंपनी ने हीमोहीम इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर काम करता है। फर्स्ट हीमो मींस होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के ऊपर डायरेक्ट वर्क करता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं एच जो है हिमेटोपोइसिस, हमारे बोन मैरो में होता है जो कि न्यू ब्लड सेल्स को बूस्ट अप करने में मदद करता है। हम जब हीमोहीम का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो हमें हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड आई की। आई रिप्रेजेंट करता है इम्यून को। इन शॉर्ट में अगर मैं इम्यून सिस्टम को क्लियर करूं तो हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी हानिकारक बीमारियां हैं उनके प्रति लड़ने की पावर को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। और जब हम लोग इसका यूज करते हैं हीमोहीम का तो हमारी बॉडी जो होती है हेल्थी बनी रहती है। एंड लास्ट फोर्थ एम रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलेशन को। दैट मींस हम लोग जब हीमोहीम का यूज करते हैं तो हीमोहीम क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है और उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी वजह से कंपनी ने इसका जो नाम है हीमोहीम रखा। तो हम लोग इसकी अब डीपली चर्चा करेंगे कि ये तो हम लोगों ने देखा कि इसका नाम जो है वो किस तरीके से रखा और हर एक वर्ड का जो मीन है वो क्या है। अब हम बात करेंगे, अब सभी लोग इससे रूबरू है, इतना डीपली नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आप सभी को क्लियर करूंगी ये जो प्रोडक्ट है हमारा कैरी प्लस कोलमर, इन दोनों से मिलके बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि पैटेंटेड प्रोडक्ट है। और रिसर्च की मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त रिसर्च इसके ऊपर की गई है जो कि मैं अगले स्लाइड के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाने की जो है साउथ कोरिया को जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी को पता है कि कैरी के पास जो है बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स वर्क करते हैं, पीएचडी साइंटिस्ट वहां पे वर्क करते हैं जो दिन और रात करते हैं आरएनडी का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। और इसी बेस पे वो 24 घंटे काम करने के बाद में क्या होता है कि उन लोगों को क्या होता है, धीरे धीरे करके उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होना स्टार्ट कर देता है, उनको न्यूक्लिएशन रेडिएशन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। और उसी को लेकर उस भयानक महामारी को देखते हुए ये जो प्रोडक्ट का तैयार करने का मेन रीजन था कि वहां की जो गवर्नमेंट है इन सारी इस समस्या को देखते हुए उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो कैरी को प्रोवाइड किया और कैरी को ये कहा कि आप इस जो ये जो समस्या है उससे लड़ने के लिए आप क्या कीजिए, ऐसा प्रोडक्ट तैयार कीजिए चाहे उसमें कितना भी खर्चा आ जाए, चाहे उसमें कुछ भी हो, आप ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर आरएनडी कीजिए, ऐसे हर्ष के ऊपर आरएनडी कीजिए जिससे ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सके। और ये स्टार्टिंग हुई थी 1997 के अंदर इस, और करीबन 8 साल सिर्फ और इतना जबरदस्त टाइम पीरियड 8 साल की रिसर्च के बाद में ये जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया। सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर इतना जबरदस्त ध्यान दिया गया है और हर एक प्रोडक्ट जो है कंपनी का उसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइम है, लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी हर्ब्स का चयन करने के बाद में, बहुत सारी हर्ब्स के ऊपर आरएनडी करने के बाद में और
8 साल के बाद में ये प्रोडक्ट जो है तैयार हुआ, और 15 साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रोडक्ट जो है तैयार किया गया है। और 15 जो साइंटिस्ट का लेवल की मैं बात करूं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उन्हीं के लेवल के, उन्हीं के टक्कर के पीएचडी होल्डर्स ने दिन और रात इसके ऊपर आरएनडी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, देन उसके बाद में इस प्रोडक्ट को तैयार किया। अब ये प्रोडक्ट जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, साथ में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है और उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो गवर्नमेंट है साउथ कोरिया की, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए $5 बिलियन का खर्च किया है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट जो है तैयार किया गया है। अब आप सभी लोगों की जान के लिए, सभी लीडर्स की जान के लिए ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट जो है कोई मेडिकल मेडिसिन नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है मेडिकल सप्लीमेंट है। ये बहुत हर्ब्स का चयन करने के बाद में कुछ विशेष प्रकार की जो है हर्ब्स है उनका यूज किया गया और उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सी वो हर्ब्स है जिनके बेस पे ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन श्रेणी में आता है और कंपनी का नंबर वन प्रोडक्ट है। फर्स्ट जो हर्ब्स है वो है एंजेलिका रेडीएक्स। हम लोग इसकी बात करें एंजेलिका रेडीएक्स तो ये करीबन 100 से लेके 100 से भी ज्यादा बीमारियों के ऊपर वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ ये हर्ब्स। शायद यहाँ पे जो लीडर्स बैठे हैं, न्यू लीडर्स, उनको इसके बारे में पता ना हो, क्योंकि ये जो है इंडिया में, अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ना साइंटिस्ट जो है बॉटनिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उनको भी इन जो हर्ब्स है उनके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है। और यही कारण है कि अपने इंडिया में कुछ ही टाइम में इस प्रोडक्ट को भी जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे वो यहाँ पे आ सके और ये जो हर्ब्स है धीरे धीरे करके इसके ऊपर भी सारे लोग जो है डीपली रिसर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इन हर्ब्स की मैं बात करूँ तो बहुत ही पुराने टाइम से इन हर्ब्स के ऊपर रिसर्च की गई है। 1969 से ये जो हर्ब्स है तीनों, उन तीनों हर्ब्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से आरएनडी की गई है। और इन हर्ब्स का चयन करने का मेन मोटिव है कि हमारी कंपनी जो है इस एक ही प्रोडक्ट से करीबन 300 से लेकर 350 बीमारियों का इलाज जो है इजीली कर सकती है। सेकंड हर्ब्स की मैं बात करूं तो सिनेडियम ऑफिशनलिस इसका सेकंड जो है वो हर्ब है। थर्ड की मैं बात करूं तो पियूनिया जैपोनिका, ये थर्ड हर्ब है। और इन तीनों हर्ब्स का मेन है कि हमारी बॉडी के अंदर वो जाकर हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करता है और ब्लड सर्कुलेशन का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है, जिससे हमारा जो है बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो इजीली और अच्छी तरीके से चल सके। अब हम लोग बात करेंगे कि ये मेन जो है वो किस पे वर्क करता है। ये करता है एक्टिवेट एनके सेल। एनके सेल बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे होंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे, और होंगे या नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी लोगों की जान के लिए बता देती हूँ। ये जो एनके सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती है। ये क्या करता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन किलर सेल्स होती है। और ये क्या करती है कि हम लोगों की जो बॉडी होती है जब हम लोग हीमोइम का यूज करते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के कारण ये क्या करती है, जो आपके हार्मफुल सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब उनको जड़ से खत्म करने का ये काम करती है। डेट मीन्स आप बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम होती है, और बीच में हर एक दिन हर एक नया केस आ रहा था कैंसर को लेकर, तो वो मेन जो रीजन होता है वो हमारी जो दिन बढ़ने वाली अधिकतर बढ़ने वाली ग्रोथ
जो होती है सेल्स की, उसके कारण होता है। तो ये क्या काम करता है, जो हार्मफुल सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हम बात करते हैं एक्टिवेट इम्यून सेल्स, ये क्या करता है, इम्यून सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके ये इम्यून सेल्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा बूस्टअप हो सके और इजीली जो है हार्मफुल जो सेल्स हैं उसके ऊपर वर्क कर सके। अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, तो ये क्या करता है, क्रिएट्स साइटोकॉइंस। साइटोकॉइंस क्या होते हैं, आपकी जान के लिए बताना चाहूंगी, साइटोकॉइंस क्या है, इम्यून सिस्टम की सेल्स द्वारा रीजनरेट किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया जो है नियंत्रित चल सके। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रियल किलर सेल्स की डीपली के बारे में, डीपली नॉलेज के बारे में। तो उससे पहले हम लोग एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आप सभी लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज होने वाली है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है कि जब हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों का यूज करने लगते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है और कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी को वो डैमेज करती है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, टू टाइप्स के जीन होते हैं। टू टाइप्स के जीन जो होते हैं, एक तो क्या करता है, हमारी सेल्स जो होती है उनकी ग्रोथ को रोकता है और एक हमारी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और अनबैलेंस के कारण हमारी सेल्स की जो ग्रोथ होती है अधिक हो जाने के कारण क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होती है, उस हमारी जो ब्लड सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो है सेल्स की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, ट्यूमर सेल्स जिसको बोल सकते हैं, ट्यूमर इकट्ठा हो जाता है और कहीं ना कहीं उसका जो लेवल होता है वो अधिक हो जाने की वजह से हमारी डेथ हो जाती है और इस वजह से उसका नाम रखा गया है कैंसर सेल। ना तो वो कोई मेन कारण उसका हो सकता है कि हम लोग जो हार्मफुल चीजें यूज करते आए हैं उनकी वजह से, और ये सेल्स के लगातार ग्रोथ की वजह से होता है। अब एनके जो सेल होती है वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये जो ट्यूमर सेल्स होती है उनको पहचानने का काम करता है और उसके ऊपर वर्क करता है, उसको नष्ट करने का ये काम करता है। उसका जो चैप्टर है, अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो उसका चैप्टर जो होता है पूरा का पूरा क्लोज कर देती है और आपके जो सेल्स की है गुड सेल्स जो होती है उनको अच्छा बनाने में ये काम करता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन का काम भी बहुत जबरदस्त तरीके से करता है। और बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग होते हैं उनके एनके सेल्स की कमी हो जाने के कारण भी उन लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों के पास जो वायरस होते हैं, डिजीज वगैरह होती है, उनका सामना बहुत अधिक मात्रा में करना पड़ता है। जब हम लोग क्या करते हैं, हीमोहीम का यूज करते हैं तो ये जो सारी डिजीज होती है उन सभी से हम लोगों को छुटकारा मिलता है और एनके सेल्स जो होती है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है इस हीमोहीम से, जिसकी वजह से एनके सेल जो है लंबे समय तक स्ट्रांग बनी रह सकती है और आपकी बॉडी पे है जो वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। ये सेल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल को टारगेट करती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की कुछ इम्पोर्टेंट जो मेन बात थी एनके सेल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे टी सेल के बारे में। टी सेल क्या होती है और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करती है। 5 बिलियन टी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है और टी सेल जो होती है उसको क्या करना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है। ये हमारी बॉडी के अंदर निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है और इसको सक्रिय करने का काम जो करता है वो करता है एनके सेल। इसमें ये क्या करता है, हमारी जो डेड सेल्स होती है उनसे क्या करता है, इनका जो प्रोटीन है वो चिपक कर उसको फिनिश कर देता है। ये हमारा रोल प्ले करता है, हमारी जो डेड सेल होती है उसको फिनिश करने में टी सेल का मेन रोल ये प्ले होता है। सबसे पहले वो क्या करता है, उस
जो टी सेल्स जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे सेल सेल को इंक्रीज करते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उन सभी को पहचान के उनको नष्ट करने का काम ये करती है। और टी सेल्स को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो अच्छी होनी चाहिए। आपका जो इम्यून सिस्टम है अच्छा रहना चाहिए। तो वो मेन रोल प्ले करता है हमारा हीमोहीम, जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं वो इजीली जो है अच्छे से प्रोवाइड हो सकती है, अच्छे से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकती है। और जो ये है टी सेल्स, वो इजीली हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करके हमारे को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी बचा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं बी सेल की। बी सेल होता क्या है, ये इसके जो चारों ओर होता है वो एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब वो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर जो होता है एंटीजन, ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाता है। जैसा मान लेते हैं कि कोई भी एंटीजन आया हमारे शरीर के अंदर बाहर से, तो वो क्या करेगा, उसके लिए पर्टिकुलर जो है एंटीबॉडी क्रिएट करेगा और उसको फिनिश कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो है इसको जो है इसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है किसी ना किसी कारण की वजह से, और ये एंटीबॉडी बना नहीं पाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी हमारी जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है, और उसकी वजह से भी हम लोगों की जो ट्यूमर होती है, ट्यूमर सेल्स जो होती है बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो हमारा मेन रीजन है कि हम लोग अगर हीमोहीम का यूज करते हैं तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती है हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो मेन काम करते हैं, इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे हमारी जो बॉडी है उसका जो ऑक्सीजन सिस्टम होता है वो इजीली प्रोवाइड हो सके, और सारी जो सारी सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर वो इजीली हो सके। और आप सभी लीडर्स की जान के लिए एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर वो खासियत ना मिले जो कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर खासियत है। बुराई किसी भी कंपनी की नहीं करती, लेकिन जो फैक्ट चीज है उसके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट पैटेंट प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को बहुत रॉयल्टी जनरेट करता है। सेकंड जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, CPM अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त है सेकंड जो है इसका। और थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, कॉरिन FDSS से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, पैटेंटेड प्रोडक्ट है, 3 सर्टिफिकेट्स कंपनी ने इसको प्रोवाइड है सिर्फ एक प्रोडक्ट को। और एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप नोट कीजिएगा, ये कैंसर जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा भी सेटिस्फाइड प्रोडक्ट है अपनी कंपनी का, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को एक रॉयल्टी जनरेट करता है, और कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो दिन ब दिन अपग्रेड करता है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है उन तीनों हर्ब्स की वजह से है, और उसके पास में जो किया गया उस पे R&D है उसकी वजह से आज हमारा जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे करके और बहुत जबरदस्त तरीके से बूम भी कर रहा है। करीबन 16 कंट्रीज में बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है, जबकि हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ 16 कंट्रीज में है, जबकि ये जो सेल हो रहा है 60 कंट्रीज के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग भी आप सभी को पता है कि कितनी जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये कुछ पिक्स है मेरे पास जिससे मैं आपको सभी को ये क्लियर करना चाहूंगी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कितना जबरदस्त है, और इस तरीके से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कितनी जबरदस्त तरीके से की जाती है। और रिजल्ट भी आप सभी लोगों को मैं बताऊंगी जो कि आप सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो रहा है इस PDF के माध्यम से। आप सभी लीडर्स यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, क्या कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 10-15 डेज के अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है? शायद नहीं दे सकता है, लेकिन हीमोहीम में ये खास बात है कि ये 10 से लेके 15 डेज के अंदर
आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट देगा जो कि हमारी आंखों को आप समझ सकते हैं कि हमारी जो आंखें हैं उनको आश्चर्यचकित कर सकता है। इतना जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलते हैं, चाहे आप गूगल पे सर्च कर ले, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, ऐसे ऐसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कि आप इस सभी इतनी जबरदस्त जो आप एलर्जी है उसके ऊपर भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो पिक्स है उसके बेस पे कि हीमोहीम का यूज करने के बाद इनकी जो बॉडी है उसमें ऐसा लगता है कि कभी कोई जो डिजीज है उनको ना हुई है ना कभी होने वाली है, क्योंकि ये जो है मेन जड़ के ऊपर काम करता है। और ऐसा एटॉमिक कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार करके हम सभी लोगों के बीच में दिया है। इतनी जबरदस्त तरीके से जो एलर्जी है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को ये रिकवर करने में काम करता है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं इन सारी फोटोज के अंदर, और आप चाहे तो इजीली सर्च भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये किन किन डिजीज के ऊपर काम करता है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। और ये जो है डिजीज वो मेन कारण जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से होता है। तो इन शॉर्ट में 2 से लेकर 3 मिनट्स के अंदर मैं सारी डिजीज का नाम लेना चाहूंगी और उन सभी डिजीज के ऊपर ये वर्क करता है। कैंसर जैसी डिजीज होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है, दमा जैसी शिकायत होती है उसके ऊपर वर्क करता है, वीकनेस जैसी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर वर्क करता है, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर वर्क करता है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर वर्क करता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर वर्क करता है, लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर वर्क करता है जिससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है अच्छा बना रह सके, किडनी में जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर वर्क करता है, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारे हार्ट में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होती है कि क्लॉटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग को सांस लेने में दिक्कत आती है, या हम जो होता है अधिकतर क्लॉटिंग्स की वजह से डेट होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जब इसका यूज करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये जो है हीमोग्लोबिन के ऊपर वर्क करता है, तो हमें कभी भी भविष्य के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स के ऊपर ये वर्क करता है, डेंगू जैसी डिजीज के ऊपर ये वर्क करता है, हेपेटाइटिस जो होती है उसके ऊपर भी वर्क करता है, आपकी कोई भी एलर्जी होती है उसके ऊपर भी ये वर्क करता है, और बहुत ज्यादा जो मेमोरी है वो लॉस होती है तो उसके ऊपर भी वर्क करता है, और हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके ऊपर भी वर्क करता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसके ऊपर भी वर्क करता है, और जिनका वजन जो है एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर भी वर्क करता है, जो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हो जाता है उसके ऊपर ये वर्क करता है, और ऐसी होने वाली बहुत सारी डिजीज जिनकी नाम लेना बैठूं तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और हमारे सेशन जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो इतनी सारी डिजीज के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ अकेला प्रोडक्ट वर्क करता है। और वापस से रिवाइज करना चाहूंगी, ये कोई मेडिकल मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। तो जो सारी चीजें मैंने बताई इन शॉर्ट में उन सभी पे ये वर्क करता है और हमारी बॉडी को है जो बूस्टअप करने का काम करता है। अब आप सभी लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि इसकी जो क्वांटिटी है और किस लेवल पे ये तैयार किया गया है और क्या पैकेट इसके अंदर है और किस किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप सभी लोगों के सामने ये जो बॉक्स है वो बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, और जूम करके आप सभी लीडर्स को बता देती हूँ। इस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट जो है हीमोहीम वो तैयार किया जाता है, और इसमें आते हैं हमारे पास एक बॉक्स के अंदर आते हैं 10 बॉक्स। उन 10 बॉक्स के अंदर पर बॉक्स के अंदर 6 पैकेट्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। और इन हम लोग जब इसका रेगुलर यूज करते हैं 3 to 4 मंथ के अंदर, जब हम लोग इसका लगातार यूज करते जाते हैं तो 3 to 4 मंथ के अंदर ऐसा इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है कि मानो कि आपकी जो है यंगेस्ट जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो भी अगर इसका यूज करे तो उनकी जो है यंग दिख सकते हैं और यंग हमेशा बने रह सकते हैं,
ये इसकी पावर है और इस तरीके से ये पैकिंग किया गया है। अब इसका ये दिखता कैसा है, ये कैसा होता है, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको इन शॉर्ट में क्लियर करूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है आपको दिखता कैसा है, कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग यूट्यूब की तरफ और यूट्यूब से हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा किस टाइप का दिखता है और कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आप सभी लीडर्स के पास में जो है हमारा वीडियो ओपन हो चुका है, आप सभी लीडर्स जो है वो देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग है कितनी ध्यान दिया गया है। आपको कोई पूरा पैकेट ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका छोटा बॉक्स है उसको भी इजीली ले जा सकते हैं अगर आप कहीं जाते हैं तो। और हर एक बॉक्स के अंदर 6 पैकेट मिलते हैं और जिन हर्ब्स का यूज किया गया है वो आपको दिखाया जा रहा है। और ये आप जेल के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत गाढ़े फॉर्म में होता है और ब्राउन कलर का ये होता है और इसका यूज आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके जो रिव्यूज है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके का दिखता है और ये जो सारी कंडीशन है इसके ऊपर मेन मेन जो चीजें थी वो सारी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर की है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बात जो है बताना चाहूंगी, ये जो प्रोडक्ट है कंपनी का उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग जो है उसके ऊपर कितना अच्छी तरीके से वर्क किया गया है। सेकंड जो चीज है आप इसका यूज आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं और इसका डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आप इसका दिन ब दिन ऐसे यूज करें, कैसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको सुबह यूज करना है, शाम को यूज करना है, आप कैसे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लीडर्स को ये जो प्रोडक्ट है वो समझ आया होगा क्योंकि मैंने जो है टाइम को ध्यान में रखकर इस प्रोडक्ट को इन शॉर्ट में क्लियर किया है और आप सभी लीडर्स को अच्छे से समझ आया होगा ये प्रोडक्ट जो है। और आप इसके अगर हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इन हर्ब्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो आप सभी लीडर्स को और भी बहुत सारी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड होगी। और इसकी हम लोग कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि मैंने कलेक्शन तैयार किया था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1932 में वांग सेमी जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त बॉटनिकल साइंटिस्ट है और उन्होंने इन हर्ब्स का मतलब उनके रिसर्च करने के बाद ये बताया कि अगर इस हर्ब्स का यूज किया जाए तो ये जो रिजल्ट है बहुत ही जबरदस्त तरीके से देगी। लेकिन इसका इन हर्ब्स का यूज करने का भी तरीका अलग अलग होता है, उसको किस क्वांटिटी में लिया जा सकता है वो इसके ऊपर सर्च किया। देन उसके बाद में 2005 के अंदर मैकेशिया के जो चिकित्सा है उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अंदर रिसर्च की गई। और उसके बाद में जो है प्रोडक्ट्स हमारा सेम इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने इसके ऊपर इन हर्ब्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान दिया है। उसके बाद में इन हर्ब्स का यूज करके जो लेडीज के ऊपर जो बॉटनिकल साइंटिस्ट है उनके ऊपर जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ही जबरदस्त है। और उसके बाद में 2009 के अंदर इंटरनेशनल जर्मन ऑफ फंक्शन इन्फॉर्मेटियस और इसके अंदर भी आप इस जो हर्ब्स है इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं डीपली कि उन हर्ब्स के अंदर कितनी जबरदस्त पावर है ये जो कलेक्शन है। और हर एक ईयर के अंदर हर एक बार इसके जो ऊपर है बहुत जबरदस्त तरीके की अलग बहुत सारे जो है साइंटिस्ट उनके द्वारा रिसर्च की गई है। चीन के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त रिसर्च की है। लेकिन आप सभी लोगों की जान के लिए बता दूं कि आज तक इसका जो है सिर्फ रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस की गई है लेकिन हमारे जो कैरी के साइंटिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इन सभी का जो है यूज हमारे हिमोहिम प्रोडक्ट के अंदर किया है जिसका रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने मैंने दिखा दिया है, शो किया है।
और साथ में जितने भी रिजल्ट है वो आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वाकई में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और ये तीनों हर्ब्स बहुत ही अपने आप में पावरफुल हर्ब्स है। एक एक हर्ब्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर रोल प्ले करती है जिससे हमारी जो बॉडी है उसका जो लेवल है, इम्यून सिस्टम है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेंटेन हो सकता है। और इन हर्ब्स का अलग अलग वर्क है जो कि इजीली हम लोग जब इसका यूज करते हैं तो हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 10-15 डेज के अंदर हम लोगों को रिजल्ट मिलना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी लीडर्स को जो मैंने गाइड किया है अच्छे से समझ आया होगा, और आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहित कुमार जी सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मेरे रीना अपलाइन जो कि रीना मैम है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और फिर से SOS सिस्टम का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस सेशन के ऊपर बोलने का मौका दिया और इस प्रोडक्ट्स की जो है इंफॉर्मेशन आप सभी लीडर्स तक प्रोवाइड करने का मौका दिया। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी लीडर्स का दिन जो हो बहुत ही शुभ हो, क्योंकि आज की जो डोज है हीमोहीम मिल चुकी है, और हीमोहीम जो डोज है वो ऑलरेडी आपको पता है कि कितनी पावरफुल डोज है। साथ में ये जो प्रोडक्ट है हीमोहीम जो प्रोडक्ट है, हमारे जब हम लोग लेवल्स क्वालिफाई करना स्टार्ट करते हैं सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर, तो उनमें जो है हमारे लिए गिफ्ट के रूप में रिवॉर्ड्स के तौर में भी दिया गया है। तो आप सभी लोगों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी लोग जो है अपने गोल्स ड्रीम्स आप पूरे करें और इस कंपनी की पावर को समझे, डीपली इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करें। जो भी लीडर्स न्यू हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी लीडर्स आज से अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करें, क्योंकि इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसकी क्वालिटी का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो किसी भी कंपनी से आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, किसी के पास इतना पावरफुल प्रोडक्ट नहीं होगा। और क्वांटिटी के अंदर भी आप अगर रिसर्च करेंगे तो किसी के पास इतनी जबरदस्त क्वांटिटी के साथ भी प्रोडक्ट नहीं होगा। और प्राइस लिस्ट की हम लोग बात करें तो प्राइस लिस्ट की भी हम बहुत जबरदस्त है, जो कि आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अभी हम लोग प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर वर्क चल रहा है। तो अगर आपका इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, और अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। और प्राइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो ना करें। थैंक यू सो मच, और जो भी यहाँ के होस्ट हैं उनको मैं माइक फॉरवर्ड करती हूँ, एंड थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर नंदिनी कुमावत मैम का, कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर हमारा जो कंपनी का एटॉमिक कंपनी का जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो प्रोडक्ट रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो प्रोडक्ट हीमोहीम के बारे में हमें डीपली नॉलेज दिया है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, और उसके सर्चिंग के बारे में, कि कितने सालों के रिसर्च के बाद में, 8 साल के रिसर्च के बाद में इस प्रोडक्ट को हमारे बीच में लाया गया है। तो वाकई में बहुत ही मानना पड़ेगा एटॉमिक कंपनी को, वाकई में मानना पड़ेगा कि केरी और कोलमार्क को, केरी को, कि जिन्होंने ये 8 साल का जबरदस्त रिसर्च किया है उसके बाद में इस प्रोडक्ट को हमारे पास सामने में पेश किया है। और हमने ये भी बात सुना है कि 60 देशों में अभी ये जो प्रोडक्ट है हीमोहीम सक्सेसफुल रिजल्ट ला के वर्क कर रहा है, जबरदस्त वर्क कर रहा है। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट पे भी पेटेंट प्रोडक्ट है, हलाल से भी सर्टिफिकेशन उसको मिल चुका है, कैंसर हॉस्पिटल से भी सर्टिफिकेट मिल चुका है उसको। तो इस तरीके से ये जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास में, वी आर सो लकी, हम लोग बहुत लकी है कि ऐसी जबरदस्त कंपनी के साथ में, ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ में हम वर्क करने जा रहे हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच नंदी कुमावत मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस मंच की तरफ से, SOS सिस्टम की तरफ से, कि थैंक यू, आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी हमें इस मंच पे आके दिया है। अब